लकी भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कूद जाना बस, लाइफ जैकेट पहन लिया मैं कूद जाऊंगा। एक सेकंड भाई फोन पिक करा दे। हे गाइस, उदयपुर आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और आज 25 तारीख हो गई है, मतलब मैं 13 को आया था। बड़ा सही माहौल और नज़ारा लग रहा है। आज मेरे दोस्त लक्की, राहुल और आनंद भाई तीनों दिल्ली से आ रहे हैं। अभी वक्त हो गया है 1:30 PM। मैं अभी जा रहा हूँ उनको पिक करने के लिए बस स्टैंड पर, और उसके बाद हम घूमने का प्लान बनाएंगे। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक आ गई, कल है रीट का एग्ज़ाम, यानी जो टीचिंग का एग्ज़ाम है वो है, जिसकी वजह से कल जो यहाँ के लोकल प्लेसेस हैं वो सारे बंद रहेंगे। तो अभी सारा सामान पैक हो गया है, मैं भी उनके साथ होटल में स्टे करूँगा। ये राहुल भाई क्या हाल है, सुना दे मेरे जिगरी। अरे लक्की भाई कैसे हो भाई, कैसा लग रहा है राहुल भाई उदयपुर आकर? बढ़िया लग रहा भाई, मस्त। लानंद भाई? भाई मस्त। लक्की भाई? बस 8 घंटे लेट हो गए। 8 घंटे लेट हो गए, ज्यादा लेट नहीं हुए हैं। अभी हम लोग सेवा आश्रम, जहाँ से मैं हर दिन मेरी स्कूल के लिए बस पकड़ता हूँ, वहाँ पर खड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद मिलकर, एकदम मस्त वाला। और इनकी हालत तो इतनी खराब हो रखी है, देख ही सकते हो आप लोग बेचारे। कम से कम 17-18 घंटे का सफर होगा ना? 20 घंटे हो गए दिल्ली से ये लोग जयपुर आए हैं। जयपुर में मॉर्निंग में कितने बजे बस थी? 4। मॉर्निंग में 4 बजे इन्होंने उदयपुर की बस ली है, और उसके बाद अभी अराउंड 2 बजे ये लोग यहाँ पर सेवा आश्रम यानी उदयपुर पहुँच गए। अभी होटल जाते जाते आधा घंटा और लग जाएगा, उसके बाद हमारा प्लान बनेगा कि हमें कहाँ जाना है, किस जगह घूमने के लिए जाना है। मौसम बहुत अच्छा है। अरे मौसम, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ ना तब से ऐसा ही मौसम है। सामने आंटी जी बोल रहे हैं कि हम रोटी बना रहे हैं, हमारा भी वीडियो बनाओ। अरे दिल्ली से आके फंस गए आप भी? ओहो, फाइनली मैं मेरे दोस्तों से मिल लिया हूँ। इधर आनंद भाई, लक्की भाई और राहुल भाई, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं उदयपुर। आई मीन मैं तो उदयपुर में था, ये लोग पहुंच गए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमने उदयपुर में हमें एक होटल मिल गया है, और होटल के अंदर एक रूम लिया जो मैं आपको यहाँ से दूर से दिखा रहा हूँ। इधर 2 बेड हैं और इस तरफ 2 बेड हैं, मतलब कि हम लोग चारों एक ही रूम में स्टे कर रहे हैं। दूसरी चीज, आज ये होटल मिलने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड उदयपुर है, यहाँ पर जितने भी होटल्स वगैरह हैं सारे के सारे फुल हैं, क्योंकि कल रीट का एग्जाम है। अभी हमारा प्लान है यहाँ सबसे पहले अमरई घाट जाने का, और फिर अमरई घाट से हम लोग जाएंगे फतेह सागर लेक। यहाँ पर घूमते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जो दिल्ली का हौज खास एरिया उसमें घूम रहे हैं। हौज खास से भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। नहीं, ये तो अच्छा तो होना ही, हौज खास में कुछ नहीं है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मस्त, मजा आ गया। गियो ठाकुर तो गियो। जो अमरई घाट का रास्ता वही बंद कर रखा, आई गेस शायद कल एग्जाम है ना रीट की, उसकी वजह से ये पूरा एरिया बंद है। अमरई घाट पर तो नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ की जो टाइमिंग है वो अराउंड 5 to 7 PM होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम FS चलते हैं फतेह सागर। तो अभी फतेह सागर आ गए, और यहाँ का जो नज़ारा है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आनंद भाई और लक्की भाई। अरे भाई मस्त है यार, मतलब जो हमारे 8 घंटे खराब हुए ना वो वसूल हो गए। बिल्कुल सही कहा, मतलब उस जगह पर वहाँ पर वो पहाड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जो है वो है सज्जनगढ़, तो वहाँ भी जाने का प्लान है। और इस तरफ होती है बोटिंग वगैरह, तो आप यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो, जो मैंने अभी तक नहीं किया, लेकिन आज हमारा प्लान है बोटिंग करने का। अगर सब ठीक रहा तो बोटिंग भी की जाएगी। अगर आप राजस्थान आओ और कचौड़ी ना खाओ तो फिर क्या किया राजस्थान आकर? तो अभी हम लोग कचौड़ी खा रहे हैं देसी तरीके से, FS पर उधर ही खाने के लिए था, हम लोगों ने पैक करवा कर इधर ले आए, इधर बैठ कर खा रहे हैं। अगर जो पीछे आप छोटा सा रेस्टोरेंट देख रहे हो, वहाँ पर बहुत टेस्टी वाली, बहुत मस्त वाली कोल्ड कॉफ़ी मिलती है, जो बहुत ज़बरदस्त होती है। काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया। तो फाइनली हमारा प्लान बन गया अभी बोटिंग करने का। क्या बोलते हो भाई, एक्वेरियम चलना है बोटिंग करने चलना है? बोटिंग। हाँ, तो हम लोगों ने डिसाइड किया, पहले हमने सोचा कि एक्वेरियम जाएंगे फिश वगैरह देखने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा आएगा हमें बोटिंग करने में। तो अभी जो स्पीड बोट होती है उसके अंदर हम जाने वाले हैं, जो भी आपको पीछे देखने को मिलेगी उधर से आ रही है। फाइनली जो यहाँ पर टिकट है वो है 236 रुपये, और हमारा टैक्स वैक्स लगा के हो गया 944 रुपये। इंतज़ार है बस, अभी आधे घंटे की लाइन है, उसके बाद हम जाएंगे उस जगह पर जाएंगे और वहाँ से एक FS का चक्कर लगवाएंगे। तो सुपर एक्साइटेड, देखते हैं कि साथ मज़ा हुआ है क्या हुआ है। हम आ गए फाइनली, काफ़ी सारी लंबी लाइन लग गई, कम से कम आधे घंटे की वेटिंग है, और फाइनली रेलवे में उतरने के लिए।
फतेह सागर लेक के अंदर। लकी भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कूद जाना बस, लाइफ जैकेट पहन लिया है। कूद जाऊंगा बस मुझे बचा लेना, गोताखोर है ना बचाने के लिए इसीलिए बोला। कोई नहीं मुझे तैरना नहीं आता, मेरे भरोसे मत कूदना। आनंद भाई ये है ना, ये भाई एकदम तैराक है। आनंद भाई आपके जिम्मे पर जा रहे हैं हम लोग, आप ही बताओगे कूदना है। ये भी एक हमारा लाइफ का वो गोल है कि जंप करना पानी के अंदर। ये सब एक मजाक है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग एकदम अच्छे डिसिप्लिन के साथ बैठने वाले हैं। यहाँ खड़े हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल यार, अपना ही है पूरा। राहुल भाई, लगी भाई रेडी हो? मजा आने वाला है। ऑल सेट भाई, सेट पहली बार सेट हो स्टार्ट हुई है तो ये मजा आने वाला है। राहुल भाई देखो अभी इधर मजा आ रहा है भाई, मजेरी लाइफ। शाम के लगभग 7 बज गए और अभी भी हम लोग जो फतेह सागर लेक है वहाँ पर हैं। सामने वहाँ पर जो जल रही लाइट वो नेहरू पार्क है और बारिश का सा मौसम हो रखा है। वैसे उदयपुर में हमेशा सेम ही वेदर रहता है। मैं लगभग हर एक दिन यहाँ पर एफएस पर आता हूँ, लेकिन जो आज जो मुझे भी मजा आया भाइयों के साथ में वो नेक्स्ट लेवल था। बहुत मजा आया, मतलब कि एकदम बोटिंग वगैरह करने में और काफ़ी खूबसूरत था। मैंने आज तो इसमें कुछ भी सेटिंग छेड़ा नहीं, जैसे आया वैसे ही। कल रात को हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और सो गए थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अभी मैं दूसरा व्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वाला पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ कमी लगी हो तो वो भी बता सकते हो, कुछ सजेशंस हो तो वो भी दे सकते हो।